पगले आदम जैसा आप टाइटल सुन रहे हैं, कहानी भी वैसी ही है। और मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंह है और इस कहानी में एज एन एक्टर मैंने काम किया है और इस फिल्म का निर्माण भी मेरी कंपनी ने किया है। पगले आदम टाइटल जैसे ही हमारे पास आया तो हमारे दिमाग में बिल्कुल वो खुराफाती जज्बात ऐसे तैरने लगे कि हमने ये सोचा कि कहानी को इतना इंटरटेनिंग बना दिया जाए, इतना कॉमेडी वाला बना दिया जाए कि पब्लिक, अक्सर हम लोग जाते हैं फिल्मों में देखते हैं कि पब्लिक 6 से 8 बार कोई कॉमेडी फिल्म देख के ठाके मारती हंसती है। और मैं जो पगले आदम फिल्म लेके आ रहा हूँ ना, तो ये मेरा वादा है और ये मेरा पूरा विश्वास है और फुल कॉन्फिडेंस में ये कहना चाहूँगा कि ये जब तक पब्लिक इस पिक्चर के अंदर बैठी देख रही होगी पूरे 1.5-2 घंटे, तब तक कॉमेडी के अलावा वो कोई और दूसरी चीज़ नहीं देख सकती, हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। चलिए आपका इंट्रोडक्शन मैं कराता हूँ अपने कुछ अन्य साथी कलाकारों से। मेरे राइट हैंड मन्नत त्रोचा हैं और वन ऑफ द लीड अवर फिल्म, फीमेल लीड, और इनका भी कैरेक्टर है जो हम लोग कहानी एक्चुअली में 2 पार्ट में है, फ्लैशबैक में और प्रेजेंट डे में। तो प्रेजेंट डे में ये हमारी गर्लफ्रेंड बनी हुई है। मिलते हैं हमारे राइट में अभिनय शर्मा, तो जरा जूम करके कैमरा दिखाइए, ये अपने आप में एक कॉमिक कैरेक्टर है और बहुत बेहतरीन कलाकारों में से हैं। और इनके बारे में और क्या कहा जाए, आप उनके बारे में बताएं। जी सर ने बताया, मेरा नाम अभिनय शर्मा, जूम करने की जरूरत नहीं है। कैरेक्टर मेरा एक जस्ट लाइक वेरी क्लोज टू मैं रियल लाइफ में कैसा हूँ कथा, एंड मतलब लूज स्टॉप, कभी भी कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, एंड मेनली जो लाइफ में वो करता है वो अपने लिए करता है, किसी और के लिए नहीं करता। अच्छा ये अभी पता चला तो गधा। लेकिन वो तो चाचा जी ने तो उसको बोला था दूसरे वाले को, ये तो गधा। मैं क्या कह रहा हूँ, सब अपने लिए करता हूँ, मैं रियल में थोड़ा ना अपने को गधा कह लूँ। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोल दिया। ठीक है चलिए, अब आपका नंबर। मेरा नाम मन्नत है और मैं इस मूवी में इशिता का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो एक डॉन की बेटी है। और बाकी आप मूवी देखिए और आपको पता चल जाएगा सब कुछ उसमें कितना अच्छा है, सब कुछ कितनी कॉमेडी है। और आदित्य ने उस मूवी के लिए बहुत मेहनत की है। सो ये कहना चाहूँगी कि आप जाके वो मूवी देखिए और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू। हमारे साथ हमारे लेफ्ट हैंड में बैठी हुई हैं हमारी काया माया, और क्या एक आध नाम और बता दो यार, हम लोग को स्क्रिप्ट में ही नहीं समझ में आ रहा था कि नाम हम इसका क्या लें, काया की माया। तो लास्ट में हम लोग एक चीज़ याद रखे कि यार इसका ओरिजिनल नाम सोनिया है। तो मिलिए हमारी लीड एक्ट्रेस सोनिया शर्मा जी से, और इनका एक्चुअल में जो स्क्रिप्ट में नाम है जो ये खुद बताती कि मेरा नाम काया है। तो काया जी आप बताएंगे अपने बारे में। थैंक यू सो मच आदित्य प्रताप जी, आपने मेरी तारीफ में जो शब्द कहे हैं मैं कृतार्थ हो गई हूँ। थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ सोनिया शर्मा और इस फिल्म में जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत ही दिलचस्प है। आजकल की जो लड़कियाँ होती हैं वैसी बिल्कुल नहीं होती हैं, वो थोड़ा सरप्राइजिंग है, वो जब आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सो ये मूवी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, जगह जगह पे आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने सोची नहीं होंगी, ऑल ओवर सडन कहाँ से क्या चीज़ आ गई वो आप समझ ही नहीं पाएंगे। वाओ, एक्सपीरियंस टॉक। सो मज़ा आएगा इस फिल्म को देखने में और सुनने में। इसके डायलॉग बहुत अच्छे तरीके से लिखे गए हैं और आदित्य ने सच में बहुत मेहनत की है। आई गेस इस फिल्म के साथ जो जो किरदार जुड़े हैं उन सब ने बहुत मेहनत की है। सही बात। सो आप लोगों को ये देख के बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। रवि मान हमारे सबसे फेवरेट एक्टर, सबसे प्यारे भोले बसंत। इनका नाम फिल्म का कैरेक्टर का नाम है उद्दू, और इनको हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि उद्दू तो कितना है बुद्धू। एक्चुअली इनका नाम उद्देश्य है फिल्म में और इनकी लाइफ का कोई उद्देश्य नहीं है। अब आगे की जानकारी आपको स्वयं इनकी आवाज़ में सुनाई मिलेगी। हाय, मेरा नाम रवि मान है और ऐसा जैसे कि इन्होंने बताया कि फिल्म में मैंने मेरा नाम उद्देश्य है, तो उद्देश्य तो नाम उद्देश्य है लेकिन जीवन में उसके कोई उद्देश्य नहीं है मेरे कैरेक्टर के। एक्चुअल में है, एक्चुअल में तो है। ओके ठीक है। उसका एक ही उद्देश्य है कि बस अपने दोस्तों की कैसे खिंचाई करनी, इनके साथ कैसे पंगे करने, दैट्स इट। और अच्छी एक हास्य मनोरंजक मूवी बनाई है हमने जो आप अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। हाँ हाँ, मैं आप लोग को ये बताना ही भूल गया, भाई लोगों यूए सर्टिफिकेट है, यूए
बड़ी मुश्किल से मिला है भाई, सेंसर कट इसमें भी आ गया था। तो मैं एक्टर से जानना चाहूंगा कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि लोगों को इमोशनल करना थोड़ा सा आसान होता है लेकिन हंसाना काफी मुश्किल होता है, तो आप अगर एक एक करके थोड़ा सा बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल फिल्म का और कितनी अच्छी बॉन्डिंग बनी, जैसे हम यहाँ पर भी देख रहे हैं आप लोगों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग लग रही है, ऑन साइड किस तरह का माहौल रहता था और एक्सपीरियंस के बारे में। देखो भाई मैं प्रोड्यूसर लास्ट में बताऊंगा, शुरुआत ही लोगों से। तुम कर दो, नहीं मुझसे श्री गणेश नहीं करना चाहिए। वेल फिल्म में जब मैं पहली बार मिला रवि से मिला एंड रवि की शक्ल देख के लगता है आपको कितना एटीट्यूड होगा इसका। मेरे बारे में क्या है, गुड गाय, वेरी हैंडसम गाय, आई एम जेलस ऑफ दैट। पहली बार में मिला था देखा तो स्टार्टिंग में रहता ना रीडिंग करते हुए समझ में नहीं आता है कि क्या सामने वाला क्या सोच रहा है और ये अपने तक मेरे हिसाब से कर पाएगा कि नहीं, कि कॉमेडी करेगा भी कि नहीं। तो जब स्टार्ट हुआ धीरे धीरे तो फिर हमारी केमिस्ट्री ऐसी मिली कि हम लोग जस्ट शूट तो खत्म होने के बाद भी साथ ही रहते थे। क्या बात है, क्या बात है। हाँ जैसे बताया इन्होंने कि मतलब हमारी केमिस्ट्री का ऐसा हुआ कि कुछ भी सीन आता था तो हम स्क्रिप्ट में जैसे स्क्रिप्ट उठाई और सीन को, स्क्रिप्ट तो ठीक है वो सीन चल रहा है लेकिन उसको हमने इम्प्रोवाइज इतना कर दिया कि साथ में एक ऐसी केमिस्ट्री बन गई कि मुझे पता है वो क्या करने वाला है और जैसे वो करने वाला तो तुरंत हमारा रेडी रहता था कि भाई ये चल रहा तो फटाफट ये चलता रहेगा हमारा। इसके कारण डायरेक्टर सर बहुत गुस्सा रहते थे कि बोले तुम इम्प्रोव करो, स्क्रिप्ट में भी तो दिखा दो, स्क्रिप्ट में जो लिखा है वो भी तो बोलो। एक्चुअली मैं रवि को तो पहले से जानती थी एंड उसी ने मुझे इस मूवी के लिए इंट्रोडक्शन करवाया था एंड थैंक यू रवि फॉर दिस। एंड फिर मैं आदित्य से मिली एंड ही वॉज लाइक वेरी नाइस पर्सन जिसको मैं इस मूवी में मिली एंड हम लोगों ने बहुत मज़ा किया, हम लोगों ने अलग अलग लोकेशंस पे जाके इस मूवी को शूट किया और जब मैं शूट कर रही थी तब मैं सोनिया से नहीं मिल पाई बट मैंने उनके बारे में सुना बहुत कि शी इज़ वेरी नाइस एंड ऑल, मतलब अच्छा लगा उनके बारे में सुन के और इनसे तो मैं मिल ही चुकी थी मूवी के सेट पे एंड मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, लाइक इनकी एक्टिंग, इनके फेस एक्सप्रेशन, ओ माय गॉड, आप लोग मूवी में देख सकते हो ये बहुत अच्छे एक्सप्रेशन देते हैं। बस भाई पैसे वापस कर दियो ठीक है ना। एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊँ कॉमेडी के बारे में और इस फिल्म के बारे में जो कनेक्शन है बहुत अच्छा, आपने सही बोला तेनाली रामा मैं कर चुकी हूँ, पूरे 2.5 साल मैंने तेनाली रामा किया है। एक्चुअली जिस दिन इस फिल्म की शूटिंग हमने ख़त्म की थी उसी दिन मुझे तेनालीरामा के लिए कॉल आया था और ये सीरीज़ मेरे लिए फर्स्ट सीरीज़ थी, कॉमेडी सीरीज़ जो मैंने इससे पहले अपनी लाइफ में कॉमेडी कभी नहीं किया था और उसके बाद मुझे तेनालीरामा मिला। और ये आपने सही बोला कि किसी को रुलाना, किसी को फिक्शन के थ्रू हंसाना और किसी एक सीरियल में काम करना वो एक डिफरेंट होता है लेकिन हंसाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वो टाइम पे पंचेज आने, टाइम पे रिएक्शन आना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट और वो करने के लिए एक ऐसी बगले आज़म टीम चाहिए होती है जिसमें अभिनय है, मन्नत है, आदित्य है, रवि है, मैं हूँ और हमारे सबसे बड़े पागल डायरेक्टर हैं जिन्होंने हम सबके पागलपन को झेला और इस प्यारी सी चीज़ को बना के इस तरीके से आपके सामने रखा। थैंक यू सो मच। रवि जी आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे लोगों ने कहा कि आप बहुत शाय भी हैं और यहाँ पर भी दिख रहा है कि शायद ऑन साइड किस तरह का माहौल रहता था, थोड़ा सा रियल ही इज नॉट शाय, थोड़ा सा गर्म होने में टाइम लगता है। एक्चुअली दिखने में आपको मैं लग सकता हूँ कि शाई है लेकिन आई एम नॉट शाई गाइस। हाँ ये है थोड़ा सा ये कैरेक्टर जब मुझे बताया गया था कि वो अभी तक निकला नहीं बाहर, वो करने में मेरे को उतना टाइम लगा और निकलने में उतना ही टाइम लगा। कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरी स्टार कास्ट? जैसे अभिनय के साथ तो शुरू में फर्स्ट डे जब हमारा गया था तो लग रहा था कि यार पता नहीं क्या होने वाला है, फर्स्ट मूवी है, कैसे एक्टर कैरेक्टर कैसे हैं, तो मतलब एक थोड़ा सा अंदर झिझक रहती है। पर धीरे धीरे जब जैसे माहौल बनता गया, एक दूसरे को जानते गए, मैं जब सोनिया से फर्स्ट टाइम मिला था तो मेरे को लगा ये क्या है भाई, ये क्या भाई, जज्बाती हो गया एक्टर भाई, थोड़ा सा कंट्रोल, मतलब
मीन क्या है मीन बट मीन लाइक मैंने मतलब फर्स्ट टाइम मैंने आपको सेट पे जब देखा था तो एक आपका टेक चल रहा था जी, उस टेक में मे बी आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम थी, कुछ थी आपको कुछ बहस हुई थी किसी से, देन आई वाज लाइक मतलब ये क्या सीन चल रहा है भाई, बट आफ्टर दैट सोनिया से और सारे एक्टरों से जब मिला तो ऑल आर वेरी नाइस. मेरे सारे को एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, सोनिया स्पेशली सबसे अच्छी. भाई एक्सपीरियंस तो आप लोगों ने देख ही लिया कैसा है, और हम लोगों ने ये फिल्म बहुत मज़े से बनाई और कॉमेडी इतनी अच्छी थी, और इवन सब लोगों का जो एक कॉम्बिनेशन था आपस में मिलने जुलने का, वो डे वन के बाद से बिल्कुल ये फैमिलियर हो चुके थे, लग रहा था जैसे कोई कॉलेज के फ्रेंड हो इन लोग, और पूरा एक पूरा ग्रुप था हम लोगों का, और हम लोगों की जो टाइमिंग थी पता नहीं, हमने विकास जी अब वो हमारे डायरेक्टर फर्स्ट डे जब हमें थोड़ा सा सेटलमेंट में लगा, उसके बाद तो धना उसके बाद तो हम लोग आते थे स्क्रिप्ट हम लोगों ने देख लिया माहौल क्या है अपने हिसाब से बोल बाल के चले गए, डायरेक्टर करेक्शन करता रहे भाई. भाई उसमें क्या था देखो, हम मेरे को ना थोड़ा हिसाब भी करना हो रहा था, थोड़ा जल्दी रहती थी. ये हमारे प्रोड्यूसर भी है. तो सर आप एज अ प्रोड्यूसर हैं, तो आपने कब डिसाइड किया कि मुझे मेरा प्रोडक्शन हाउस शुरू करना चाहिए, और क्या मोटो है आपके प्रोडक्शन हाउस का, अगर थोड़ा कुछ इस बारे में बताएं. बट इन द सीरियस नोट, अगर आप बात करें तो मेरे को लगभग यहाँ पर 7-8 साल बॉम्बे हुआ, और कुछ कारणवश से मैं चला गया वापस. जब मैं छोटा मतलब था कॉलेज में आपके स्कूल में, तो उस वक्त भी मैं जो है आवाज किसका बंद कर दो, तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये प्रोडक्शन हाउस मैंने क्यों खोला, किस लिए खोला. तो ये बचपन से ही था कि मेरे को एक अपनी म्यूजिक कंपनी मतलब एक प्रोडक्शन कंपनी खोलने आती प्रोडक्शन कंपनी. लेकिन जब मैं देख रहा था कि इंडिया में बहुत तेज़ी से स्टार्टअप बढ़ रहा है लगातार, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक एंटरटेनमेंट में भी एक ऐसा माहौल लेके आया जाए कि स्टार्टअप लोग बनाएं और फिल्में प्रोड्यूस करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन करें, ज़्यादा से अच्छे मतलब टैलेंटेड लोगों को पब्लिक तक लेके जाएं. और मेरे साथी कलाकार जो हैं यहाँ पर, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि इनमें पोटेंशियल की कमी है किसी प्रकार से, और ये माइंड ब्लोइंग है. और अभी आप लोग जब फिल्म देखेंगे तो आप लोग को लगेगा कि वाकई में यार इन लोगों ने वो परफेक्शन से काम किया है, कि जो एक उम्दा किस्म के कलाकार जो बहुत ट्रेनिंग लेकर और बहुत बड़े प्रोडक्शन, बहुत पैसा, बहुत एडिटिंग के बाद जो है वो जो चीज़ निखर के आती है, इन लोगों ने नेचुरली निकाला है. और इन लोगों को मैं अपने तहे दिल से बिल्कुल थैंक यू बोलना चाहूँगा. और ये एक्टर कम मेरे दोस्त हैं, और इवन जो है ये मेरे जो अगल बगल दो कन्याएँ बैठी हुई हैं, तो इनको हमने एज ए एक्ट्रेस फिल्म में लिया था, लेकिन नाउडेज वी आर अ फैमिली. और दोनों एक कहा जाए कि अगर बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से किसी के साथ रिलेशन बना सकता है. तो हम सभी में यही खासियत, इसलिए हम लोग एक आपको दिख रहे होंगे वन फ्रेम में, वन टाइप ऑफ गाय. थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग पगले आजम 31 जनवरी 2020. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आदित्य प्रताप सिंह जो मेरे प्रोड्यूसर हैं और इस फिल्म के हीरो भी हैं, वो मेरे 7-8 साल पहले से ही दोस्त हैं. हम दोनों बहुत ही मतलब बोलते हैं घनिष्ठ दोस्त रह चुके हैं इससे पहले. और इससे पहले ही हमारी एक प्लानिंग हुई थी, जब आदित्य ने मुझे बोला था कि ये चीज़ ऐसी है कि विकास जी मुझे कभी भी मैं मेरा नया प्रोडक्शन हाउस शुरू करूँगा तो 100% मैं आपके साथ ही काम करूँगा. तब तक मेरी एक फर्स्ट फिल्म आ चुकी थी हाई प्रोफाइल करके, जब मेरी
पोस्ट प्रोडक्शन उसका चल रहा था तभी, और तभी हमारी मुलाकात हुई और हमारी दोस्ती आगे बढ़ती गई। उसके बाद हमारा ऐसा वक्त आया कि हमने एक दूसरे के साथ मिल के आदित्य ने प्रोडक्शन हाउस खोल के हमने ये फिल्म की शुरुआत की। सर जैसे मैंने पूछा कि प्रोडक्शन हाउस का मोटो क्या है, साथ ही सारे एक्टर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नए एक्टर्स को आपने जो है जगह दी आपने, तो क्या कहना चाहेंगे उसके पीछे का क्या रीज़न था सर, अगर उस बारे में? यार उसके पीछे का रीज़न एक कहा जाए तो बहुत सेंसिटिव मैटर है, और वो सेंसिटिव मैटर हालांकि हम लोग मीडिया से रिलेटेड हैं और ये हमारा दायित्व तो बनता है कि वो चीज़ सामने आनी चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इस इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच की शिकार जो है केवल लड़कियां बनती हैं, महिलाएं बनती हैं, और यहाँ कास्टिंग काउच के शिकार लड़के बनते हैं और ये एक बहुत गलत बात है। तो कुछ ऐसे वाकयात हो गए मेरे और मेरे दोस्तों के साथ जो है, तो हम लोगों ने तब डिसाइड किया कि यार ये कुछ गंदगी है, और इस गंदगी में तो यार हम लोग देखो छोटे शहर से लोग हैं तो यार अपना तो नहीं हो पाएगा इस तरह। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ हम अपना काम चालू करें। तो हमारी तब मुलाकात विकास जी से हुई, और विकास जी इज़ वेरी सुपर्ब एंड वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर, और इनसे जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था तभी मैंने बोल दिया था कि हम एक दिन साथ काम करेंगे। तो आफ्टर मैनी ईयर्स ये अपना काम में लगे रह गए, इन्होंने फिल्में बनाई, उसके बाद मैंने डिसाइड किया। तो सबसे पहला कॉल इनको गया एज ए डायरेक्शन, और फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया इस पगले आज़म की जर्नी। और इस जर्नी को जिसने एक सही टैलेंट और एक सही बंदों तक पहुंचाया, वो केवल एक शख्स है हमारा, और वो हमारा सबसे अजीज मित्र है जिसका नाम है अंबर उपाध्याय। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, वो एक बेहतरीन एक्टर भी है। प्लीज़ कम अंबर उपाध्याय। मीट मिस्टर अंबर उपाध्याय। ये कास्टिंग से ताल्लुकात रखते हैं, और इन्होंने थिएटर भी किया हुआ है, एक्टर भी हैं। तो इनसे जब हमारी चर्चा हुई, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ उस बात को लेकर जो कास्टिंग काउच वाली, तो हमारा इनका डिस्कशन होता रहता था इस बात में, तो ये खुद उस चीज़ से निकलना चाहते थे, और अंत में इन्होंने जो है कास्टिंग छोड़ ही दी करना। लास्ट में मैंने इनसे पूछा कि यार मेरे को एक प्रोजेक्ट खड़ा करना है, तो क्या तुम्हारे पास टैलेंटेड लोग हैं? बोले आदित्य भाई चिंता मत करो, हमारे पास बहुत टैलेंटेड लोग हैं, जिनमें से इन्होंने मेरे को अभिनय दिया, रवि मान दिया इन्होंने जो है, और सारे हैं, साहिल पटेल हमको दिया और अभिषेक को दिया। विकास जी अगर आप कुछ प्रोजेक्ट के बारे में 100% जैसे आदित्य ने बोला इस बारे में, आदित्य जी ने कि अमर के एक मतलब जो भी है उन्होंने इस कास्टिंग के लिए, इस फिल्म की कास्टिंग के लिए जो भी किया वो तारीफ काबिल है, नो डाउट। और खुद एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट है वो, और खुद उन्होंने जो रोल किया है वो मतलब कमाल है, काबिले तारीफ है, कमाल है। राहु केतु में से राहु का रोल, राहु का रोल इनका है जो डॉन के साथ कंटिन्यू जुड़े रहते हैं इस फिल्म में, तो मैं तो इनकी तारीफ ही करूंगा ऑब्वियसली। सर आपको क्या ब्रीफ मिला था डायरेक्टर साहब की तरफ से, क्योंकि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साहब की तरफ से, क्योंकि उन्होंने खुद जैसे प्रोड्यूसर साहब ने फेस किया ये सब चीजें, और डायरेक्टर साहब की तरफ से क्या ब्रीफ था कि मतलब किस तरह के चेहरे चाहिए इस फिल्म के? ये फिल्म का ऐसा है कि ये फिल्म जो है जैसे अगर कोई जन्म लेता है, वहाँ से मैं इस फिल्म से जुड़ा हुआ, मतलब इस फिल्म का एक रूम से जब हमने प्लान किया था वहाँ से मेरा द आइडिया ऑफ फिल्म मेकिंग, वहाँ से मेरा और आदित्य का मतलब कनेक्शन है, और वहाँ से ही हम लोगों ने प्लान किया कि कुछ ऐसा मूवी स्टार्ट की जाए कुछ कॉमेडी में। फिर हम इन्होंने मुझे बताया इनकी कॉन्सेप्ट की क्या, किस कॉन्सेप्ट पर काम करना है हमें, फिर राइटर हमें मिला, फिर उन्होंने अपनी राइटिंग जो थी उन्होंने बताया, उन्होंने स्टोरी बताई, अकॉर्डिंगली उन लोगों ने मुझे बताया कि हमें ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स चाहिए, तो वो तो फिर मेरा काम ही है, तो मैंने बताया। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोग को बताना चाहूँ, गाँव में था तो मैं ठंड के समय में आग के पास बैठा हुआ, ताप रहा था उसको जो है, हमारे यहाँ तापना बोला जाता है, तो एक किसी बुजुर्ग ने कह दिया था कि कोई अगर बीमारी है तो उसकी जो दवा होती है वो आपके आसपास होती है और आप वहीं खोजो। मतलब उनका कहने का मतलब था कि कोई समस्या है, समस्या की जड़ वो आपके पास ही होती है और उसका जवाब भी आपके पास ही होता है। तो मैंने जब आइडिया ऑफ फिल्म मेकिंग, मैंने जब सोचा कि एक फिल्म बनानी है, तो सबसे पहले मैंने अपने लोगों पर टटोला, अपने आसपास के लोगों की गहराई देखी, और ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा थी कि मुझको मेरे ही जगह से, मेरे ही आसपास के लोगों से, मेरे ही मित्रों से एक ऐसे ऐसे टैलेंट निकल के आया कि आज ये पूरी एक फिल्म बनाई हमने, और ये फिल्म यकीनन बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग है, और इसके एक एक डायलॉग, एक एक जर्रे जर्रे में आपको एक एक मेहनत दिखेगी सभी बंदों की, और
और हमने ये फिल्म बहुत प्यार से, बहुत संघर्ष से, बहुत उतार चढ़ाव से ये फिल्म बनाई है। हाँ, काफ़ी अप डाउन है। अगर अप डाउन की बात करें तो बहुत बहुत इमोशनल हम एक फिल्म बना सकते हैं कि इस फिल्म की मेकिंग के लिए। सही है, ये फिल्म की मेकिंग, देखिए इसको नोट करिए मेरी बात, मैं आपको फिर ये बोल रहा हूँ, अगर फिल्म की मेकिंग के बारे में बात की जाए और अगर मेरे एक्टर, मेरा पूरा क्रू और मेरा पूरा कास्ट अगर इस बारे में आपसे डिटेलिंग में बात करेगा, तो इस फिल्म की अगर बनने की कहानी को फिल्मी पर्दे में उतारा जाएगा तो इससे बड़ी ड्रामेटिकल इमोशनल फिल्म नहीं बन सकती है। लेकिन हमने इतना इमोशन, इतना ड्रामा करने के बाद हमने वो एंटरटेनमेंट दिया है कि आप लोग भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि वाह क्या फिल्म है और क्या डायलॉग है और क्या कॉमेडी चल रही है। और उसमें हमारा जो साथ दिया और जो सबसे बड़ा जो कैप्टन ऑफ शिप जो हमारे डायरेक्टर विकास कोठेकर जी हैं, इनका एक्सपीरियंस बहुत काम आया और इन लोगों ने वाकई, इन्होंने मिलकर हमें एज ए हीरो बनाया और हीरोइन बनाया लोगों को, और एक पूरी कहानी लेके आए और पगले आजम एक टाइटल पूरा इमर्ज आज की डेट में जो है एक बहुत ताकतवर नाम जो है फिल्म इंडस्ट्री में उभरता हुआ आ रहा है। और हम चाहेंगे कि ये फिल्म की सीरीज़ हम आगे बढ़ाते रहें और उसके साथ हम लोग काम करते रहें। और अरे राजा वाजा सब चले गए भैया, 70 साल पहले चले गए। हाँ ये सब, ये सारी चीज़ें, ये क्वेश्चन और ये कोई आंसर करने की बात नहीं है, लेकिन आई प्राउडली फील कि मैं एक राज परिवार से हूँ और एक ऐसा राज परिवार है जिन्होंने 1857 लेकर 1947 तक जो है लगातार उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांतिकारी रूप अख्तियार कर रखा था और मुग़लों के खिलाफ भी। और हमारा जो एक गांव है, जो स्टेट है हमारा बरौना पिंडरा, तो आज तक वहाँ ना ब्रिटिश हुकूमत का झंडा गड़ा ना मुगल हुकूमत का, हम हमेशा इंडिपेंडेंट थे, आज हम हमेशा रहेंगे। उसकी अपने आप में एक पूरी हिस्ट्री है, सलमान खान ने उसके ऊपर एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था वीर, तो डेट विलेज इज माई विलेज और जो पिंडारी है डेट इज माई नेम पिंडरा। आई वेंट टू या वंस। सर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे कोलैबोरेशन के बारे में और कैसा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ? मैं सबसे पहले यही कहूँगा, इन्होंने ये कहा राजा वाली बात, तो ये राजा है, आज भी राजा है, हीरो राजा ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं इनसे कहूंगा कि इस फिल्म के जरिए इन्होंने साबित कर दिया कि सच में राजा है। थैंक यू सर। इस चीजों से, इस तरीके से उसको अपने कमांड किया, इस फिल्म को लेके आए शुरू से अंत तक, बहुत सारी दिक्कतों का सामना मैं भी जानता हूँ, एक रोल मैंने भी इसमें किया है डॉन का, तो हमारे बीच काफी बहुत अच्छे सीन हुए हैं और बहुत मजा आया शूट करते हुए भी, फिर उसको एडिट किया, उसको थोड़ा सा अच्छा सा बनाया, अच्छा बनाया और आज फिल्म बन के थोड़ी सी परेशानी आई, लेकिन आज बन के तैयार है आप लोगों के सामने और मैं इसमें एक डॉन बना हूँ। डॉन थोड़ा सा फनी है, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं पगले आजम, डॉन भी पगले आजम की तरह। एवरीबॉडी इन द फिल्म, मैड 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 सब मैड। एक फिल्म मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक मैंने, मुझे कोई समझ में नहीं आया ऐसी कोई फिल्म हो जिसमें सब पगले आजम हो, सब मतलब सारे कॉमेडी कर रहे हो। कॉमेडी की कुछ चीजें होती हैं कि उसमें कॉमेडियन होता है किसी फिल्म में, किसी आजकल हीरो ही कॉमेडी करता है, लेकिन मुझे लग रहा है ये पहली फिल्म है जिसमें सब कॉमेडी करते नजर आए। सबसे बड़ी बात क्या है, खासियत ये फिल्म की, फिल्म में कोई वल्गैरिटी नहीं है, सबसे प्लस पॉइंट की फुल ऑन फैमिली आदमी बार बार बोलो, बार बार बोलो यूएस सर्टिफिकेट है पूरी फैमिली के साथ, प्लस पॉइंट है फिल्म का, कोई वल्गैरिटी नहीं है, फैमिली बैठ के आराम से देख सकती है फिल्म, मजा ले सकती है। बहुत जरूरी है आज के जमाने में, बहुत जरूरी है, परिस्थितियों से बहुत ही परेशान हो गए, उब जाते हैं, तो एक हल्की फुल्की कॉमेडी, वो भी प्रॉपर, ये नहीं कि वल्गैरिटी हो या फुअड़ कॉमेडी हो, नहीं, प्रॉपर सिचुएशनल सोशल कॉमेडी जो लगे एक्चुअल कॉमेडी है। और पगले आजम टाइटल को भी वो करती है चरितार्थ, वो ये फिल्म है, तो बस ये कहना चाहेंगे हम सब ये फिल्म देखें सब लोग, और खुद देखने के बाद डिसाइड करें कि हमने जो कहा है उसमें कितनी सार्थकता है, कितनी सच्चाई है। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि आपने ये फिल्म जो है कॉमेडी ही क्यों बनाई, नहीं मैंने ये, मैं बोल रहा हूँ कि साफ सुथरी कॉमेडी, कॉमेडी का जो जैसे जबरदस्ती कॉमेडी, हाँ ओके, जो
वो आके बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनाते हैं, तो वो कितना गलत है, क्योंकि कॉमेडी तो जरूरी है, हंसना बहुत जरूरी है। सर देखिए ऐसा है कि वो सबका अपना अपना जॉनर होता है, ठीक है, सबका अपना अपना एक लिखनी होती है, वो किस हिसाब से कलम अपनी चला रहे हैं और प्रोड्यूसर होते हैं उनको किस हिसाब से वो फिल्म का मार्केट देख रहे हैं। लेकिन कॉमेडी होना हर किसी की ज़िंदगी में जैसे शरीर में ब्लड होना वैसा ज़रूरी है। इतनी भाग दौड़ है बॉम्बे जैसे, इतनी हम लोग रहते हैं यहाँ पर, इतनी भाग दौड़ है, पूरी दुनिया आज भाग रही है, 135 करोड़ तो हम ही भाग रहे हैं, आधी दुनिया को तो हम ही भगा रहे हैं। तो आप थिएटर में जा रहे हो मनोरंजन के लिए जा रहे हो, तो मनोरंजन का मतलब होता है कि थोड़ा आप हंस लो, गा लो, थोड़ा सा नाच लो, डांस कर लो। तो ऐसा मैंने सोचा और मैंने एक साफ सुथरी एक कॉमेडी फिल्म बनाई जो बच्चे, बूढ़े, जवान, फैमिली और समाज का हर एक तबका इस फिल्म को देख सकता है, हंस सकता है, गुदगुदा सकता है, हमारे साथ डांस कर सकता है। ये तो हमारा हमने पहले से ही तय करके रखा था, जो भी हाँ। हम लोग फिल्म स्टार्ट करेंगे वो पूरी फैमिली आके फैमिली हो, वो पहले से हमारी तय थी। मेरा जो आने वाला जो फ्यूचर है, मैं फिल्म मेकिंग मैं कंटिन्यू करता रहूँगा और एज एन एक्टर और एज ए प्रोड्यूसर मैं लगातार फिल्में बनाता रहूँगा और कोशिश मेरी ये रहेगी कि हर साल मैं एक ऐसी ही ज़बरदस्त फिल्म दूँ लाइक पगले आज़म। और मे बी नेक्स्ट ईयर हमारी नेक्स्ट ईयर क्या दिसंबर तक में हमारी पगले आज़म रिलोडेड भी आएगी और वो भी रिलीज़ होगी और वो इससे डबल ट्रिपल धमाल करके जाएगी। थैंक यू वेरी मच गाइस। एक थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा जी, मैं उसका क्रेडिट भी इनको देना चाहूँगा। ये टाइटल अपने आप में इतना अच्छा मिलना ये भी इनकी बदौलत है, मैं इसका क्रेडिट भी इनको देता हूँ सर। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि सब लोग इनके लिए ताली बजाएं, जिसकी बदौलत हम लोग जुड़े हैं वो क्रेडिट इनको जाए। थैंक यू सो मच।